आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है 10 फेमस एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो चलते हैं हम टॉपिक्स पे। तो 10 फेमस एविडेंसेस हैं वो अभी लिस्ट किए हुए हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से 10 फेमस एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के। एक प्रेडेटर प्रेयर कॉम्पिटिशन, ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, फॉसिल रिकॉर्ड में हम दो पढ़ेंगे एग्जांपल, एवोल्यूशन वेल की एवोल्यूशन और हॉर्स की एवोल्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, डीएनए बेस्ड या मॉलिक्यूलर बेस्ड पे हम एविडेंसेस पढ़ेंगे। तो ये 10 फेमस एविडेंसेस हैं, इसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो प्रेडेटर और प्रे का जो आपस में रेशियो है वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है पॉपुलेशन में। किसी पॉपुलेशन में प्रेडेटर और प्रे का जो रेशियो है वो चेंज होता रहता है। जाहिर सी बात है, अगर प्रेडेटर ज़्यादा होंगे किसी पॉपुलेशन में तो प्रेडेशन उसकी ज़्यादा होगी और प्रे कम हो जाएगी। एज प्रेडेशन इंक्रीजेज द पॉपुलेशन ऑफ प्रे डिक्रीजेज, वाइल द पॉपुलेशन ऑफ प्रेडेटर इंक्रीजेज देयर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन चांसेस इंक्रीजेज। तो जाहिर सी बात है, जब प्रेडेशन इंक्रीज होगी तो प्रे का जो रेशियो है या जो उसकी पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगी। प्रे की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है प्रेडेटर की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और इसी वजह से उनका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होंगे, वाइस वर्सा। तो प्रेडेटर प्रेडेटरशिप का जो एग्जांपल है उसमें क्या होता है, जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में चेंज होती है उसकी वजह से एवोल्यूशन होती है। एलीलिक फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में चेंज होगी, लेट सपोज अगर प्रेडेटर है उसकी पॉपुलेशन चेंज हो रही है या प्रे की पॉपुलेशन चेंज हो रही है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो रही है, तो ये सब जो है डायरेक्ट करेगा एवोल्यूशन को, लीड करेगा एवोल्यूशन को। इसमें एग्जांपल हम पढ़ेंगे स्नो शू हेयर वर्सेस आर्कटिक फॉक्स। ये आप फिगर देख रहे हैं, 1925 लेकर 2005 तक, और नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ एनिमल्स देखें, ये पॉपुलेशन कितनी फ्लक्चुएट हो रही है प्रेडेटर की है। ये जो ग्रीन लाइन है ये स्नो शो हेयर की है, और जो ये रेड है वो आर्कटिक फॉक्स की है। देखें ये फ्लक्चुएट हो रही है, ये रेड लाइन है फ्लक्चुएट हो रही है, और कभी ये जो ग्रीन है ये लाइन फ्लक्चुएट हो रही है। डायनेमिकली ये चेंज हो रही है, मीन्स इट मीन्स एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इट मीन्स लो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे एवोल्यूशन भी प्रोसीड हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब इसमें देख रहे होंगे ये बंच ऑफ बैक्टीरिया है, इसमें ये जो है पर्पल कलर जो है ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, और इसमें ऑरेंज टाइप जो है ये रेजिस्टेंट बैक्टीरियम है। रेजिस्टेंट बैक्टीरियम का मतलब ये है कि इसमें रेजिस्टेंस एबिलिटी है, रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं जो रेजिस्टेंस कास करवाती हैं किसी भी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। तो इसमें जो ये ऑरेंज है ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, मीन्स इसमें रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एबिलिटी है इसमें, बाकी जो पर्पल है उनमें रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद हम जब दूसरे इसमें कल्चर में चलेंगे तो उसमें जब एंटीबायोटिक्स उस सारे कल्चर में फिल करेंगे तो ये पर्पल हैं जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है एबिलिटी, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उसमें कुछ एक आधा जो है ना वो बच जाएगा, उसमें सरवाइव करेगा, और बाकी जो ये ऑरेंज है तो उसमें तो रेजिस्टेंस एबिलिटी है तो वो ज़ाहिर सी बात है सरवाइव ही करेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बचे हैं ये हम एवोल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले देखें ये पर्पल टाइप भी थे और ये ऑरेंज टाइप भी थे, जब एंटीबायोटिक्स दी गई तो उनमें से सारे जो पर्पल हैं वो किल हो गए, डेड हो गए, उसमें से एक आधा बच गया फॉर्चुनेटली। और ये जो ऑरेंज टाइप है रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये तो जाहिर सी बात है इसमें रेजिस्टेंट एबिलिटी है तो ये सर्वाइव करेगा। उसके बाद
ये जो बच गए हैं अभी ऑरेंज टाइप और जो पर्पल टाइप रेजिस्टेंट बैक्टीरियम, तो ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे मल्टीप्ली और बहुत सारे कॉपीज अपने बनाएंगे। उन पढ़ाए बाइनरी फिशन से जो बैक्टीरिया है वो रिप्रोडक्शन करता है, अपनी खुद मल्टीपल कॉपीज बनाता है। उसके बाद लास्ट में देखें कि इवेंचुअली ये जो है कुछ तो बच गए ना रेजिस्टेंट नॉर्मल बैक्टीरियम, तो कुछ बच गए, लेकिन फाइनली क्या होगा कि ये सारे जो पर्पल टाइप बैक्टीरिया थे वो तो ख़त्म हो गए पॉपुलेशन से, सिर्फ बचे ऑरेंज टाइप। तो ये सारा जो है क्या शो करता है एवोल्यूशन को, बंच ऑफ बैक्टीरिया थे उसमें रेजिस्टेंट भी था और नॉर्मल बैक्टीरिया भी थे, तो जब उनमें एंटीबायोटिक्स डाली गई तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो है वो किल हो गए, उसमें से एक आधा बच गया, तो वो एक आधा बच गया तो वो भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऑरेंज टाइप बैक्टीरिया जो थे वो भी मल्टीप्लाई करेंगे। इवेंचुअली ये होगा जो इंटायर इन्फेक्शन में जो लास्ट में जो फाइनली जो बचेंगे बैक्टीरियम वो रेजिस्टेंट होंगे। तो देखें ये अलीली किस फ्रीक्वेंसी में चेंज हो रही है पॉपुलेशन में, अलीली फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इट मींस इवोल्यूशन हो रही है। ये भी एक एग्जांपल था, अभी हम चलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन पे। देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी एक पुराना जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड था, क्या कहते थे कि जो मुख्तलिफ प्लांट्स थे उसको इंटरब्रीड करवाया जाता था आपस में, प्लांट्स और एनिमल्स को इंटरब्रीड करवाया जाता था और ये जिसकी वजह से हमें नई वेराइटीज़ प्लांट्स की मिलती थी। अभी हम मुख्तलिफ वेजिटेबल्स देखते हैं जो वाइल्ड मस्टर्ड से आर्टिफिशियली प्रिपेयर की गई हैं। अब देखें वाइल्ड मस्टर्ड से केबेज, केल, कोलरबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, तो ये सारे देखें प्लांट्स। अब देखें इनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी एक एवोल्यूशन का एग्जांपल है। देखिए वाइल्ड मस्टर्ड से अब देखें केबेज हो गई, बंद गोभी हो गई, तो ये अब इनकी न्यू अलग आइडेंटिटी है, अब इनकी एक अलग आइडेंटिटी बन गई है, एक अलग जो है स्पीशी तौर अब जानी जाती हैं। तो ये भी एक एवोल्यूशन का एग्जांपल है। ये तो रहा प्लांट्स में, अब अभी हम चलते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स में जैसे कि डॉग्स में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए थे, सबसे पहले जो इनका कॉमन एंसेस्टर था वो ग्रे वोल्फ था, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, चाइना में, ये इंडिया में, तो ये सारे इनका जो एंसेस्टर है कॉमन एंसेस्टर जो है वो ग्रे वोल्फ था। इसकी वजह से देखें कितनी वैरायटी आ गई है, एक था एक ही एंसेस्टर जिसकी वजह से कितनी वैरायटी आ गई, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से अब इनकी नेचर में या इस वर्ल्ड में अलग आइडेंटिटी है, हर कोई अलग अलग स्पीशी की तौर जाना जाता है। अब साइज में देखें हर शेप में कितना सारा फर्क है और कितनी स्पीशीज आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से प्रिपेयर की गई हैं। अभी हम चलते हैं फॉसिल रिकॉर्ड पे। फॉसिल्स वो होते हैं जो आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। फॉसिल एविडेंसेस में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जिसके बॉडी फॉसिल्स मिलते हैं हमें और इनडायरेक्ट जैसे कि ट्रेसेस वगैरह मिलते हैं हमें। डायरेक्ट बॉडी फॉसिल्स जैसे कि बोन्स मिल गए, टीथ, शेल्स, लीव्स वगैरह इत्यादि। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस जैसे कि ट्रेस फॉसिल्स होते हैं, फुटप्रिंट्स, टूथ मार्क्स, ट्रैक्स, बरोज, ये सारे इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस एग्जांपल पे हॉर्स की एवोल्यूशन। तो हॉर्स एवोल्यूशन, हॉर्स जो है वो हिप्पस 60 मिलियन ईयर्स अगो से इवॉल्व हुए थे। अब देखें ये नीचे वो हिप्पस से ये फोर लेग्ड पहले एनिमल था, उसके बाद 60 मिलियन ईयर्स के बाद, उसके बाद 40 मिलियन ईयर्स के बाद देखें म्योहिप्पस, उसके बाद मेरी काइपस, प्लियोहिप्पस, लास्ट में इक्यूस या हॉर्स रिसेंट जो है। देखें ये फोर लेग्स से ऑनवर्ड इसकी एवोल्यूशन हुई है इंटायरली हॉर्स तक। अब चलते हैं हम एवोल्यूशन पे, वेल की एवोल्यूशन पे। तो वेल जो है वो हिप्पस के क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं। अब देखें ये जैसे कि मिस्टी सिटीज, ओडेंटो सिटीज, डेरोडॉन, रोडोसिटीज, क्यूटीसीटस, एम्ब्यूलोसीटस, पेकीसीटस, एंडोहाइनस, ये जो पेकीसीटस है ये पाकिस्तान से मिले हैं, इसकी क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, और ये एंडोहाइनस इंडिया से हैं।
तो लास्ट में ये हिप्पोकैम्पस बन गया, ये वेल की इवोल्यूशन है एंडोहाइनस से ऑनवर्ड ये वेल तक। उसके बाद हम चलते हैं हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पे। तो सबसे पहले ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वेगनर के साथ एसोसिएटेड है। अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा था कि जो सबसे पहले जो कंटिनेंटल जो लैंड मासेस थे वो एक ही जगह पर फिक्स एक ही जगह पर थे, सारे मर्ज्ड हुए थे। तो जैसे ही ड्रिफ्ट कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से वो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ओशंस अलग हो गए, मुख्तलिफ जो कंटिनेंट्स थे वो अलग हो गए। इस मूवमेंट को उसने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट कहा, द मूवमेंट ऑफ कंटिनेंट्स एंड ओशंस इट्स। तो ये जो इसकी मूवमेंट थी इसको कंटिनेंटल ड्रिफ्ट कहा गया। वेगनर ने वाज कन्विंस दैट ऑल अर्थ कंटिनेंट्स वर वंस पार्ट ऑफ इनॉर्मस सिंगल लैंड मास कॉल्ड पेंगिया। तो वेगनर ने कहा कि सारे जो अर्थ के कंटिनेंट थे वो एक ही जगह पर थे, सिंगल लैंड मास था, जिसको इसने नाम दिया पेंगिया। पेंगिया जो था वो मीन्स पेंगिया का मतलब ये है कि सारे अर्थ कंटिनेंट जो हैं वो एक ही जगह पर कन्वर्ज थे या मर्ज थे। अब देख रहे हैं अभी इस फिगर में हम देखेंगे, लेकिन ये पेंगिया है, पेंगिया में देखिए सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक ही जगह पर फिक्स हैं, मर्ज्ड हुए हैं। ये नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद अभी देखें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद, ये बिफोर है पेंगिया, ये आफ्टर। देखें आर्कटिक ओशन अलग हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका अलग हो गया, साउदर्न ईस्ट ओशन, अब इंडियन ओशन, अफ्रीका, यूरेशिया, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ये देखें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स पे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहा जाता है इसको। देखें होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स ऑर्गन भी होते हैं जिसके बोन भी होते हैं, वो ऐसे ऑर्गन्स या बोन्स या स्ट्रक्चर्स जो कॉमन इवोल्यूशनरी एंसेस्टर से ड्राइड हुए हों, जैसे कि नीचे एग्जांपल दी हुई है ह्यूमन, डॉग, हॉर्स, बैड बर्ड, सील, इनकी जो फोर लिम्ब है देखें कि कितनी रिजेंबल कर रही है। अब देखें ऐसा लग रहा है कि जस्ट सिंपली जो बोन है वो जस्ट रीशेप्ड हुए हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म से। ह्यूमंस में देखें डॉग्स, हॉर्सेस, बैड्स में, बर्ड्स में, सील्स में, तो बेसिक जो इनकी जो एनाटॉमी है वो तकरीबन सेम है, दूसरे मिलती जुलती हुई है। तो इस वजह से इसको कहा जाता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स। ज़रूरी नहीं है कि जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं उनका फंक्शन जो है वो फंक्शनली सिमिलर हों। अब देखें जो बेड जो स्ट्रक्चर सेम हो तो उनका फंक्शन भी सेम ही हो। अब देखें हम देखते हैं कि जो बेड की विंग है चमकादड़ की और बटरफ्लाइज की जो विंग है वो दोनों है फ्लाइट के लिए, लेकिन वो इवॉल्व सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मीन्स ये होमोलॉगस या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है। बर्ड विंग्स जो है और बटरफ्लाइज की जो विंग है दोनों का काम तो एक ही है, फंक्शन एक ही है फ्लाइट का, लेकिन वो जो इवॉल्व हुए हैं वो मुख्तलिफ एंसेस्टर से हुए हैं, डिफरेंट एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। तो ये आपस में एनालॉगस है या इसको एनालॉगस इवोल्यूशन भी कहा जाता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वो होती है जिस जो ऑर्गेनिज्म जो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हो, और एनालॉगस इवोल्यूशन वो होती है जो फंक्शनली स्ट्रक्चर जो सेम हो लेकिन उनके फंक्शनली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम हो लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो डिफरेंट हो। अब देखें बर्ड बेड विंग्स जो है और बर्ड विंग्स होमोलॉगसली फोर लिम्ब्स उनके सेम ही हैं लेकिन उनके जो फ्लाइट अडेप्टेशन से वो सेपरेटली इवॉल्व हुए हैं। अब हम चलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में जो होता है एंसेस्टर्स उनके डिफरेंट होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एंसेस्टर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब ये है कि भाई मीन्स फंक्शनली जो जिनका फंक्शन डिफरेंट हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन जिनका सेम हो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे कि हम देख लेते हैं ये मार्सुपियल प्लेसेंटल कन्वर्जेंस में हम ये एग्जांपल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की एग्जांपल है मार्सुपियल प्लेसेंटल कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे कि मोल्स और मोल के किट्स जो हैं
अब इनका जो लेग है उनका वो दोनों एनालॉगस लेग्स हैं, दोनों लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, दोनों का फंक्शन सेम ही है। फंक्शनली सेम हो तो मीन्स वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आते हैं, अगर स्ट्रक्चरली सेम है तो वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आते हैं, होमोलॉगस में, होमोलॉजी में आते हैं। तो अभी हम देखेंगे एनालॉगस लेग्स हैं और विंग स्ट्रक्चर मुख्तलिफ इंसेक्ट्स में, टीरोसॉर्स में, बर्ड्स में, बैट्स में, ये विंग स्ट्रक्चर है दोनों सारों, इन सब का काम जो है फ्लाइट का काम है। सारों का काम क्या है? फ्लाइट का काम है। इनका फंक्शन डिफरेंट सेम है, फंक्शन सेम है मीन्स ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में इंक्लूड होती है। जैसे कि स्क्यूड और वर्टिब्रेट्स में जो आई लेंस है वो भी फंक्शनली सेम है। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में आते हैं। तो ये सारी हम चीज़ें हम बताती हैं कि एवोल्यूशन के बारे में ये एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के। सो अब हम चलते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स पे। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स वो होती हैं जिनका अभी तक कोई फंक्शन जो है नॉन नहीं है, हमें अभी तक पता नहीं चला कि इनका काम क्या है सही तरह से। और ये एक भी वेस्टिजियल स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती हैं एविडेंसेस, कॉमन एंसेस्ट्री क्या बताते हैं। अभी ह्यूमंस में अपेंडिक्स जो है वो क्या है, ये अपेंडिक्स हो गया, कोकिक्स हो गया, आई की जो निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन है, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। मगर बाकियों में हम देखें तो उनमें जो है वो फंक्शनल है। अपेंडिक्स जो है वो जो रिमिनेंट्स होते हैं, जो बाकी हर्बीवर्स होते हैं उनमें, तो ये क्या होता है, एक्टिव होता है, फंक्शनल होता है। और जो निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो रेप्टाइल्स में फंक्शनल होती है। तो इसी तरह अब हम चलते हैं, अच्छा दो चीज़ें पॉसिबल हैं, अगर स्पीशीज वो चीज़ ऑर्गन जो स्ट्रक्चर से अडाप्ट कर लेती हैं, दो ही होंगे इसके साइड से, आप क्या कह रहे हैं कि दो ही इसके वो सर्कमस्टेंसेस होंगे, चांसेस होंगे। अगर स्पीशी अडाप्ट कर लेती है तो न्यू यूज़ करेगी, जैसे कि पेंगुइन हो गया, और अगर यूज़ नहीं करेगी तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि पेल्विस या स्नैक फीड जो है ये वो एक्सटिंक्ट हो गए, इनमें नहीं है अभी। अब हम चलते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पे। देखें जब भी एम्ब्रियोलॉजी पे ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये स्टडी की जाती है तो फिश से लेकर ऑनवर्ड ह्यूमंस तक जो बेसिक डेवलपमेंट के जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं, तकरीबन सेम है। बेसिक जो पैटर्न है डेवलपमेंट के, एम्ब्रियोनिक पैटर्न्स जो हैं डेवलपमेंट के, वो बेसिक सेम ही है सब में। तो ये सारी चीज़ें भी बताती हैं कि एवोल्यूशन हुई है और एक ही कॉमन एंसेस्टर से हुई है। इनक्रेडिबल सिमिलरिटीज इन एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ कॉमन एंसेस्टर का एविडेंसेस बताती हैं। अभी हम चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, हमारा जो है लास्ट फेमस एविडेंसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें 98% DNA जो सीक्वेंसेस है वे ह्यूमंस की और चिंपेंसीज की आपस में मिलती है। 98% DNA सीक्वेंसेस जो है ह्यूमन की चिंपेंसीज के साथ मिलती हैं। अब ये सिमिलरिटी भी देखेंगे भाई, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इन सब के एंसेस्टर जो है वो सेम है। तो हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने ह्यूमन से डिफरेंट करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स से। ये भी एक नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है वेरी करता है एक ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट तक। तो देखिए अब चिंपेंजीज में 0, रेसिस मॉन्की में 1, साइटोक्रोम सी में हम देख रहे हैं अभी एवोल्यूशन, साइटोक्रोम सी जो पिगमेंट है उसमें हम अभी हम साइटोक्रोम सी को देख लेते हैं। तो उसमें हमारे एसिड कितने वेरी करते हैं ह्यूमन में, अब देखें चिंपेंजीज में तो 0 मीन्स 100% सेम है साइटोक्रोम सी, रेसिस मॉन्कीज में 1, रेबिट्स में 9, काऊ में 10, और इसी तरह फ्रूट फ्लाई में ओनली 4 अमाइनो एसिड वेरी करते हैं साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स से। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का और अमाइनो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड देख लेते हैं ह्यूमन हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन में। तो देखते इसमें हम देखेंगे कि भाई कितना परसेंट या कितने अमाइनो एसिड वेरी करते हैं हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन में से बाकी जो एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें देखेंगे। ह्यूमंस में 0, जैसी बात ह्यूमन में तो सेम ही होंगे। अब रियासिस मॉन्की जो है उसमें 8 अमाइनो एसिड डिफर करते हैं, माउस में 27, लैम्फ्रेन में 125, इसी तरह। और जो कॉमन जेनेटिक कोड जो है 3 स्टॉप कोडॉन जो हो गए और स्टार्ट कोडॉन,
तो ये सारे सारे ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली सेम ही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑनवर्ड ह्यूमंस तक, सिंपलेस्ट से ऑनवर्ड कॉम्प्लेक्स तक, ये सारी चीज़ें कॉमन जेनेटिक कोड जो है वो सेम ही है। तो ये सारी चीज़ें लिंक किस तरफ करती हैं, इवोल्यूशन की तरफ ही लिंक करती हैं। सारी जो डीएनए जो सीक्वेंसेस हैं, जीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें किस तरफ डायरेक्शन देती हैं, ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन की तरफ ही डायरेक्शन देती हैं। हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए, फंक्शंस हो गए, और मुख्तलिफ जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स वेरी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डीएनए की सीक्वेंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें हमें लिंक करती हैं कि इवोल्यूशन हुई है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इवोल्यूशन हुई है कि नहीं हुई, तो आप ये नहीं कह सकते कि हुई नहीं हुई, क्योंकि इतने साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट थे, इन सब ने बहुत टाइम से उन लोगों ने रिसर्च की हुई है, एविडेंसेस हैं उनके पास। तो आप ये कभी नहीं कह सकते भाई कि नहीं हुई।